स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण रामगढ़ के अंतर्गत सुजल एवं स्वच्छ गांव पर जिला स्तरीय 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम रामगढ़ के सिद्धि विनायक होटल में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से ग्राम पंचायत सरपंच मुखिया प्रधान और पंचायत सचिवों के लिए सुजल और स्वच्छ गांव विषय पर प्रशिक्षण सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जल को हम कैसे बचाएं, सुजल एवं स्वच्छ गांव के घटक क्या हैं तथा संरक्षित जलापूर्ति के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, 1000 लीटर पेयजल के ग्लोरिनेशन के लिए कितनी ब्लीचिंग पाउडर की आवश्यकता होती है, ग्रामीण भारत के घरेलू जल में कितने प्रतिशत जल का हर रोज अपशिष्ट के रूप में बह जाता है, गोवर्धन योजना के संचालन के लिए किस तरह के मॉडल की सिफारिश की जाती है, GPDP में वास को खुले निधि स्रोतों पर उपयोग कैसे किया जाए तथा जिले को कैसे प्लास्टिक मुक्त करने के लिए वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से बताया जाए। सुजल एवं स्वच्छ गांव विषय पर 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है PhD विभाग के द्वारा। और अब जैसा कि मालूम है, नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2022 तक सभी को पेयजल सुविधाओं को मुहैया कराना है, और आपको मालूम है जल जीवन मिशन का कार्यक्रम भी आरंभ हो चुका है। तो इस मद्देनज़र जितने भी पंचायत हैं, जितने भी गांव हैं रामगढ़ ज़िले में, वहां के जो एक्टिव प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, जलसहिया हैं और वार्ड सदस्य हैं, इन जो एक्टिव प्रतिनिधि हैं उनको चिन्हित कर करके, और हम लोग 8 बैच के माध्यम से प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें सभी पंचायतों में सभी गांव में जिस तरह से वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे शौचालय निर्माण का कार्य शुरू ख़त्म हो चुका है और हम लोग काफ़ी हद तक ODF भी हो चुके हैं, हमारा जो जिला है ODF हो चुका है। ऐसे में जो हमारा वो जो वाटर बॉडीज़ है उन्हें साफ और स्वच्छ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी आप देखते होंगे कि कई सारे बीमारियाँ जल के कारण होते हैं, जल के कारण, प्रदूषित जल के कारण होते हैं, जब उनको लोग पीते हैं तब उन्हें काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन लोगों को इस तरह से ट्रेंड किया जा रहा है कि इन 3 दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से ट्रेंड किया जाएगा कि किस तरह से आप लोग अपने गांव के वाटर बॉडी को सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें, ताकि आप जो वहां से जो पानी पियेंगे वो काफ़ी स्वच्छ रहेगा और एक स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इस वजह से हम लोग ये काम कर रहे हैं। न्यूज़लैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है